हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ तिलापिया फ्राइड इन बनाना लीफ। इस रेसिपी के लिए मैंने एक तिलापिया फिश लिया है, इसे मैं अब क्लीन कर लूँगी। अब मैं इसमें चार चार स्लिट्स मछली के दोनों साइड्स में कर रही हूँ, जिससे उसमें मसाला बारीकी से अंदर तक पकड़ ले। इसे स्लिट करने के बाद मैं मैरिनेट तैयार कर लूँगी, जिसके लिए मैंने एक बाउल लिया है। अब मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक, डेढ़ चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच नॉर्मल चिली पाउडर, एक चौथाई चम्मच गोल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच अदरक का पेस्ट, एक चौथाई चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक चौथाई चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट और दो बड़े चम्मच सरसों का तेल, थोड़ा सा पानी और आधा नींबू का जूस। अब मैं इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इस पेस्ट को मछली के दोनों साइड्स पे अच्छे से कोट कर लूँगी। मसाले को मछली के चारों तरफ अच्छे से कोट करें, जिससे मसाला मछली के अंदर तक जाए। जितने अच्छे से आप मसाला कोट करेंगे, मछली का फ्लेवर उतना अच्छा होगा। अब मैं मछली के अंदर थोड़ा सा धनिया और पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ, जिससे मछली का फ्लेवर और एनहांस हो जाए। मैरिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इस मछली को मैं एक घंटे तक फ्रिज में रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। एक घंटा हो चुका है। अब मछली फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन चढ़ाया है। इसमें मैं 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल दे रही हूँ। तेल गरम हो चुका है। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा सौंफ और फिर करी पत्ता डाल रही हूँ। करी पत्ता फूट चुका है। अब मैं मछली को फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। अब मछली को लो फ्लेम पर दोनों साइड्स अच्छे से फ्राई कर ले। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, पर केरला में ये रेसिपी कैरिमीन फिश से बनता है, जिसमें कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। मैंने कोलकाता टच देने के लिए मस्टर्ड ऑयल और तिलापिया फिश यूज़ किया है। फिश को पलटते वक्त टूटने से सावधानी बरतें। मछली फ्राई हो चुका है। अब मैं मछली को निकाल के इसी बचे हुए तेल में मसाला तैयार कर लूंगी। मसाला बनाने के लिए हमें जो सामग्री की जरूरत है वो है करी पत्ता, नमक, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, सरसों का तेल, गोल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, सौंफ,
प्याज, टमाटर, रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। मैंने तेल में थोड़ा सा सौंफ डाल दिया है। अब मैं इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल रही हूँ। अब मैं इसमें स्लिट किए हुए हरे मिर्च डाल रही हूँ। थोड़ा चलाने के बाद मैं इसमें अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल रही हूँ। डालने के बाद मैं इसे अच्छे से भून लूंगी जिससे उसका कच्चा टेस्ट निकल जाए। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक दे रही हूँ। प्याज भून चुका है, अब मैं इसमें टमाटर डाल के अच्छे से गला लूंगी। टमाटर गल चुका है, अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर दूंगी। सूखे मसाले डालने के बाद उसे अच्छे से भून लें और फाइनली उसमें करी पत्ता ऐड कर उसे अलग रख दें। मैं केले के पत्ते को आग में सेक लूंगी जिससे वो सॉफ्ट हो जाए। फिश को रैप करने के लिए मैंने 2 केले के पत्ते लिए हैं और बीच में एक छोटा सा पत्ता दे दिया है जिसमें मैं मसाले का एक लेयर डाल के स्प्रेड कर दूंगी। इस लेयर पे मैं फ्राइड मछली को रख के बचे हुए मसाले को मछली के ऊपर डाल दूंगी। अब मैं मछली को केले के पत्ते में अच्छे से रैप कर एक स्ट्रिंग से बांध दूंगी। मछली अच्छे से रैप हो चुका है। अब मैं इसे फ्राई करने के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम कर लूंगी। तेल गरम होने के बाद मैं मछली को इसमें डालकर 5-5 मिनट दोनों साइड्स ढक्कन लगाकर फ्राई कर लूंगी।
5 मिनट हो चुका है। अब मैं ढक्कन को हटा के मछली को पलट के और 5 मिनट फ्राई कर लूँगी। फाइनली हमारा तिलापिया रेडी है। अब मैं इसे बनाना लीफ पे सर्व कर लूँगी। रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और बताएं कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।